अयोध्या से चलकर चित्रकूट तक जाने वाली भारत यात्रा का शनिदेव धाम पर भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के शनिदेव पहुंचने पर सर्वप्रथम कमल नयन दास ने शनि महाराज की पूजा अर्चना की। उसके बाद धाम के पीठाधीश्वर मंगला आचरण जी ने आरती उतारी। धर्म सभा को संबोधित करते हुए कमल नयन दास ने कहा कि वर्तमान समय में भारतीय संस्कृति और परंपराओं पर सर्वत्र प्रहार हो रहा है, पारिवारिक विषमताएं चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। ऐसे समय में भगवान श्री राम के उदात्त चरित्र से सभी को प्रेरणा मिलती है। पारस्परिक मातृभाव व गुरुजनों के आदर्श एवं मर्यादा मानव धर्म की संपूर्ण शिक्षा राम के आदेश और मर्यादा से मिलती है। राम शरण दास जी रामायणी ने कहा, राष्ट्र हिंदू विरोधी ताकते पूरे मानव समाज को छिन्न भिन्न करना चाह रही है, समाज व परिवार में विभेद पैदा कर सामाजिक ढांचे को तोड़ना चाह रही है, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। इस अवसर पर जर्मनी से आए चिकित्सक दंपति डॉक्टर एंडी एवं संभवी ने भारत यात्रा में शामिल सभी साधु संतों को शॉल अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा, शनिदेव धाम पर आज दो उत्सव, भरत जी की चित्रकूट यात्रा एवं धाम के संस्थापक पूज्य परमानंद महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर दान देने एवं आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यात्रा के व्यवस्थापक विमल कृष्ण दास जी, सचिन कृष्ण दास जी, श्रीया कृष्णन तिवारी, नैतिक सचिन कृष्ण गौरव, कृष्ण विवेक कुमार, रमेश चंद्र देवी, कृष्ण शुक्ल, शिवराज मिश्र, आदर्श कुमार सिंह, नंदलाल निषाद, देवेश शुक्ल, शीतला प्रसाद वर्मा, संजय सिंह, श्याम नारायण गुप्ता, अरविंद सिंह, सुभाष उपाध्याय, विनोद यादव, एडी तिवारी, पत्रकार सहित भारी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए।